अजमेर का हाई सिक्योरिटी जेल कहने को तो प्रदेश का सबसे सुरक्षित जेल कहा जाता है, बावजूद इसके यहाँ बैठे हार्डकोर क्रिमिनल मोबाइल फोन के माध्यम से प्रदेश भर में आपराधिक गतिविधियों का संचालन करते हैं। यह बात आज एक बार फिर उस समय सामने आई जब हाई सिक्योरिटी जेल के अधीक्षक के निर्देश पर तलाशी अभियान शुरू किया गया। इसी दौरान वार्ड संख्या 2 के ब्लॉक 3 में जमीन में दबे हुए 2 मोबाइल फोन और चार्जर बरामद हुए। इस बरामदगी के बाद जेल प्रशासन की शिकायत पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और यह पता लगाया जा रहा है कि इस फोन के माध्यम से जेल में बंद हार्डकोर अपराधियों ने किन किन लोगों से संपर्क किया था। गौरतलब है कि अजमेर की सेंट्रल जेल और हाई सिक्योरिटी जेल में लगातार मोबाइल फोन मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले 2 महीनों की बात की जाए तो इन दोनों जेलों से 100 से अधिक मोबाइल फोन, बैटरी, चार्जर और डाटा केबल बरामद की गई है। यह अलग बात है कि इन दोनों ही जेलों में मोबाइल फोन जैमर लगाए गए हैं, बावजूद इसके इन दोनों ही जेलों में मोबाइल फोन का उपयोग धड़ल्ले से हो रहा है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिनांक 10/3/2022 को अधीक्षक महोदय हाई सिक्योरिटी जेल के आदेश अनुसार जेल स्टाफ के द्वारा तलाशी ली गई, सघन तलाशी ली गई, जिसमें वार्ड संख्या 2 के ब्लॉक नंबर 3 पानी की खेली के पास नाली की दीवार में लिपटे हुए थैली के अंदर जियो लाइफ कंपनी का कीपैड मोबाइल व एक कचौड़ा कंपनी का मोबाइल व एक सैमसंग कंपनी का चार्जर मिले, जिस पर सतपाल सिंह परेड नंबर 3597 हाई सिक्योरिटी जेल अजमेर ने एक टाइप का रिपोर्ट पेश की। पर मुकदमा नंबर 105/2022 धारा 42 राजस्थान कारागृह अधिनियम 2015 के तहत प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान श्री हरिराम साई को SIT की पुलिस थाना सिविल अजमेर के जिम्मे अनुसंधान किया गया। इसमें सिम भी मिले, इसमें मोबाइल है, चार्जर है और 2 मोबाइल एक चार्जर सर। चार्जरी की जगह किससे बात है, इसकी अनुसंधान किया जाएगा। ये मोबाइल कहाँ से आए, कौन पकड़ाया, किससे के बाद कहाँ बात हुई है, अनुसंधान। आपका परिचय? जितेंद्र सिंह एडकॉन्स्टेबल पुलिस थाना सिविल अजमेर।